मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, पटना जिला से आए हुए सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्तागण, सभी एमएलएगण, एमएलसी, सांसद, पूर्व विधायक, सभी हमारे मीडिया के साथी, आज का कार्यक्रम आप सब लोगों को पहले से ही सूचित था कि एक दिवसीय धरना जो है रखा जाएगा और धरना का जो मुद्दा है, जो बिहार के जन जन के लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और मुद्दा यह है कि जो महागठबंधन की सरकार ने, जब हम बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, तो हम लोगों ने पिछड़े समाज के लिए, अति पिछड़े समाज के लिए, दलित आदिवासी समाज के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाया और उसको 65% किया और ईडब्ल्यूएस का 10% एज इट इज रखा, यानी 75% आरक्षण हम लोगों ने लागू करवाया था। और उसके बाद हम लोगों ने मंत्रिमंडल की बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसको हम सब लोग भारत सरकार में अनुशंसा करेंगे कि इसको अनुसूची 9 में डाला जाए। जिस प्रकार शेड्यूल 9 अनुसूची 9 में तमिलनाडु राज्य का आरक्षण है जो कि सुरक्षित है, उसी हिसाब से जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया उसको भी हम लोग सुरक्षित करना चाहते थे। कई दिन हो गए, पार्लियामेंट में सवाल भी हमारे सांसद मनोज झा जी ने अभी जो सेशन चल रहा था उसमें पूछा, तो भारत सरकार के लोगों ने गोल मटोल जवाब दे करके राज्य सरकार पे ही डाल दिया। अब कोई इतना बेवकूफ तो आज के दिन में है नहीं कि अनुसूची 9 का मामला, शेड्यूल 9 का मामला राज्य सरकार नहीं देती है बल्कि भारत सरकार ही लाती है प्रस्ताव सदन में और उसके बाद ही ये तय होता है। इसका मतलब ये साफ था कि इनकी मंशा ही नहीं है कि किसी भी प्रकार से जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, जो नाला साफ करने वाले लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो भूमिहीन है, जिसको खाने का ठिकाना नहीं, भीख मांगता है, वो लोग मुख्य धारा में आए, वो लोग वैसा समाज जो अंतिम पैदान पे खड़ा है वो आगे आए, सबके साथ बैठे, सब बराबर रहे, ये भाजपा के लोग नहीं चाहते। भाजपा के लोग ये चाहते हैं कि कचरा धोने वाला जिस समाज में आता हो जिंदगी भर, उसके आने वाली पीढ़ी नाला साफ करे, कचरा धोए। रिक्शा चलाने वाले का बेटा जिंदगी भर, उसकी आने वाली पीढ़ी रिक्शा चलाने का काम करे। जो भूमिहीन है उसको जमीन ना दो, जो भिखारी है उसको जिंदगी भर भिखारी बना करके रखो। यही भाजपा की असल मानसिकता है, यानी जो चंद लोग हैं मलाई खाने का अधिकार उन्हीं को है। अपने यहां 10-10-12 नौकर रखेंगे लेकिन उस समाज का नहीं सोचेंगे। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया, बात यह समझने की जरूरत है, ये है क्या, गिनती क्यों जरूरी है, आखिर क्यों सभी बड़े बड़े समाजवादी नेता समय समय पर जाति आधारित गणना की बातें की। जो महापुरुष रहे, जो हम लोगों के नेता रहे, सब लोगों ने आरक्षण की बात की,
और उन्हीं तबकों की बात की जो समाज में अंतिम पैदान पे खड़ा है, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो या अति पिछड़े हो। आज भी समाज में देखिएगा कि भेदभाव होता है, जाति का नाम लेकर के लोग गाली देता है, फल्ला 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 क्या क्या लोग नहीं बोलता था। आज भी देखिएगा इस तरह की चीजें, दलित का लड़का का बेटा का अगर शादी हो रहा है तो घोड़ी पे नहीं बैठेगा, मंदिर में पूजा नहीं करेगा, क्या व्यवस्था थी। लेकिन आज इस बात की जरूरत है कि गिनती क्यों होना चाहिए। आज जब हम लोग गिनती की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये बांटने का काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी, तेजस्वी, ये लोग जात को लड़ाना चाहता है। मेरा सवाल है, जो लोग हम पे सवाल खड़ा करते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं। कोई लोग नाम लिखते हैं, अपने नाम के आगे सरनेम बोला जाता है, कोई लोग मिश्रा लिखता है, कोई लोग तिवारी लिखता है, कोई लोग यादव लिखता है, कोई लोग सिंह लिखता है, कोई लोग श्रीवास्तव लिखता है, कोई लोग पाल लिखता है, कोई लोग दास लिखता है, कोई लोग कुशवाहा लिखता है। ये क्या तेजस्वी ने, लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया? पहले से ही बांटने का काम किसने किया? किसने यादव बनाया, किसने मिश्रा बनाया, किसने दास बनाया, किसने कुशवाहा बनाया? हम तो वो बात कर रहे हैं, चाहे सिंह हो, चाहे श्रीवास्तव हो, चाहे पाल हो, दास हो, यादव हो, चाहे स्वर्ण जाति के लोग हो, पिछड़ी जाति के लोग हो, अति पिछड़ी जाति के लोग हो, दलित हो, आज उनकी स्थिति क्या है जरा ये पता करो। ये पता करो कि गरीबी सबसे ज्यादा किस जाति में है। चाहे जिस जाति में गरीबी है, गरीबी हमारा दुश्मन है, उसको मिटाने का काम करो। यही तो हम लोग चाहते हैं। अब कितना दिन तक पटना जैसा शहर में रात रात भर हम शहरी विकास मंत्री थे तो रिक्शा चलाने वाला, दूसरा जिला से आया हुआ है, चारा नहीं है, कोई कमाई नहीं है, नौकरी नहीं है, बिहार में दिन रात मजदूरी करता है लेकिन फिर भी जो है उधार नहीं दे पाता, फुटपाथ पे सोता, कहीं चले जाइए, यहाँ ऑफिस के बाहर चले जाइए, पूरा रोड पे फुटपाथ के लोग सोते, गरीब सोता, स्टेशन चले जाए, कहीं चले जाइएगा आप, चाहे गांधी मैदान के पूरा सर्किट घूम लीजिए, सब किनारे किनारे वही लोग बेचारा ठेला वाला टेम्पू वाला सब लोग सोता। कौन जाति के हैं भाई, कौन जाति के हैं? हम तो बस यही ना पता करना चाहते हैं कि चाहे कोई जाति में अगर गरीबी है तो उस गरीबी को हम लोग खत्म करें, और गिनती होगा तब ना स्थिति पता चलेगा। देश में कितने राज्य हैं, राज्यों में कितने जिले हैं, अब हर सरकार जो है पेड़ का गिनती करता है, बाघ का गिनती करता है, बिल्ली का गिनती करता है, मगरमच्छ का गिनती करता है। आखिर क्यों? कि भाई कोई चीज महत्वपूर्ण चीज है, विलुप्त ना हो जाए। बाघ जो है आने वाले समय में बाघ गायब ना हो जाए इस संसार से, तो उसको प्रिजर्व करके हम लोग रखे, बचा करके रखे। कई पक्षियों को नियम लगाया कि पक्षी आप नहीं खा सकते, इल्लीगल है, नहीं तो विलुप्त हो जाएगा, संसार से गायब हो जाएगा। पेड़ पौधा की संख्या बढ़ाई रहेगी, बढ़ेगी तो एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, प्रकृति का बैलेंस सही रहेगा, लेकिन इंसान का जो इम्बैलेंस है वो कैसे सुधरेगा? तो जब तक गिनती नहीं होगा, जब तक पता नहीं चलेगा कि भाई गरीबी कौन है, गरीब कौन है, उसकी पढ़ाई लिखाई क्या हुई,
उसके पास अपना घर है कि नहीं है, उसको अपना नौकरी है कि नहीं है, तब तक कैसे पता चले। इसीलिए हम लोगों की मांग रही, लालू जी की मांग रही कि भाई किसी भी कीमत पर हम लोग जो है गिनती कराएंगे, कौन जाति के कितने लोग हैं और उनकी स्थिति क्या है, उसी हिसाब से सरकार में जो लोग बैठेगा वो उसी हिसाब से उनके लिए योजना लाएगा ताकि उनको मदद करे, उनको उठाने का काम करे। आज बजट बनता है, 2-2 लाख करोड़ के ऊपर का बजट चला गया है, उसमें से गरीब को क्या खर्च कितना पहुंच रहा, कितना मिल जाएगा भाई। अभी उदय नारायण चौधरी जी ने कहा कि दलितों का जो है स्कॉलरशिप जो है खत्म कर दिया गया, छात्रवृत्ति खत्म कर दी गई, अति पिछड़ों का छात्रवृत्ति खत्म कर दिया गया। तो बात यह है हम लोगों को समझने की, जो सदियों सदियों से जो हम लोगों को गुलाम बनाए हुए हैं, जो मानसिक गुलामी देते हैं, आज उन्हीं लोगों को पीड़ा है कि भाई गिनती हो जाएगी तो सच्चाई सामने आ जाएगा। आदमी बीमार है, हड्डी हड्डी टूटल है, तो डॉक्टर साहब के पास जाइएगा तो एक्सरे कराइएगा ना, पता चलेगा कि टूटल है कि सूजन है कि क्या है रे भाई, कराता है कि नहीं कराता है। तो वही ना बीमारी जो हम लोगों में है, जो गरीबी, उसका सच्चाई पता कराने का एक्सरे मशीन है जातीय जनगणना। जब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा तब तक कैसे काम होगा, कैसे स्वस्थ रहेगा लोग, है कि नहीं। पेट में दर्द है आप दे दीजिएगा सर दर्द का दवा तो काम चलेगा, इसमें बुझा जाएगा कि भाई पेट में किसको दर्द है, कौन लंगड़ा है, किसको जो है दिल का दिक्कत है, किसको लीवर का दिक्कत है, किसको फेफड़ा का दिक्कत है, इसमें सब बुझा जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने देश में पहला ऐसा राज्य बना बिहार, जब हम 17 महीने उपमुख्यमंत्री रहे तो हम लोगों की लड़ाई थी, लालू जी सड़क से लेकर संसद तक लड़े, और हमको जब मौका मिला तो हम लोगों ने सबसे पहले बिहार में सरकार बनते ही जाति आधारित गन्ना हम लोगों ने कराने का काम किया।